हरियाणा के फरीदाबाद में गौरक्षा के नाम पर 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति ने देश को इस स्थिति में ला दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में गौरक्षा के नाम पर 12वीं के छात्र आर्यन मिश्र की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति ने देश को इस स्थिति में ला दिया। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फरीदाबाद में कथित गौरक्षक द्वारा 12वीं कक्षा के छात्र आर्यन मिश्र को पीट पीट कर मार डाला गया। इस दर्दनाक घटना के पीछे बीजेपी की नीतियों और सरकार की नाकामी को उन्होंने प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने कहा कि आर्यन मिश्र को 30 किलोमीटर तक दौड़ाया गया और बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन बीजेपी और हरियाणा सरकार इस पर खामोश है। संजय सिंह ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि उनके संरक्षण में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण पर आधारित है और इसी नफरत की वजह से ऐसी हत्याएं हो रही हैं। संजय सिंह ने कहा कि तथाकथित गौरक्षक बीजेपी के शरण में काम कर रहे हैं और मोदी सरकार इस तरह की घटनाओं पर मौन है। हरियाणा में फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई जिसमें गौरक्षा के नाम पर इंसान की हत्या की जा रही है, मानवता की हत्या की जा रही है। गौ रक्षा के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। ये कौन है जो गाय की रक्षा के ठेकेदार बने हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं? किसने इनको गाय की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा की ठेकेदारी दी है? देश के प्रधानमंत्री ऐसे तमाम मामलों में एक शब्द नहीं बोलते। इसके साथ ही संजय सिंह ने देश में चल रही बुलडोजर की राजनीति को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारें लोकतंत्र की जगह बुलडोजर तंत्र चला रही हैं, जिसका उदाहरण हाल ही में काशी और अयोध्या में देखा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत माता की जय के नारे लगाती है, लेकिन काशी में भारत माता के मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। कहीं अयोध्या में बुलडोजर चल रहा है, कहीं काशी में बुलडोजर चल रहा है, और कितने छद्म राष्ट्रवादी हैं भाजपाई, भारत माता की जय लगाते हैं और भारत माता के मंदिर पर वाराणसी में काशी में बुलडोजर चलाते हैं। भारत माता के मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। इसी के साथ संजय सिंह ने मांग की कि आर्यन मिश्र के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो यह बुलडोजर उनके खुद के घरों पर भी चलेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीति गर्मा गई और अब देखना यह होगा बीजेपी इन आरोपों का क्या जवाब देती है और आर्यन मिश्र की हत्या पर क्या कदम उठाए जाते हैं। विशाल सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।